बागेश्वर धाम में उपस्थित साध्वी रितंबरा ने संतों के साथ सनातन धर्म को जागृति व सजग करने का प्रण लिया। साध्वी रितंबरा ने लोकसभा चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए इस बार भी भाजपा के सत्ता में आने की बात कही। बागेश्वर धाम सरकार में 7 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें साधु संत भी शामिल हो रहे हैं। बुधवार को साध्वी रितंबरा ने कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने सभी संतों के साथ मिलकर सनातन धर्म को जागृत कर आगे ले जाने का निश्चय किया। इस दौरान चुनावी भविष्यवाणी करते हुए साध्वी रितंबरा ने कहा कि अब की बार बीजेपी की सरकार बन रही है। उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार। सनातन जगत जागृत रहे, सजग रहे, और जो भी अंतिम व्यक्ति है उसके चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए। मंदिरों का धन धर्म प्रचार में लगना चाहिए। हमारे देश की बेटियां हमारा हृदय का धन है, वो पालने में भी सुखी रहे, पालकी में भी सुखी। बिल्कुल अब की बार बाहर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।